हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है, बाय सेलिंग 45 लेमन्स, 45 लेमन्स को बेचने पर वेंडर, वेंडर मतलब आप देखे होंगे जो ठेले पर बेचते हैं ना लोग, उसे बोलते हैं वेंडर्स। तो वो एक वेंडर जो है लूज कर रहा है, मानी कि उसका लॉस हो रहा है। कितने का? वो सम इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स, मतलब कि 3 लेमन्स का जो SP होगा, मैंने 3 लेमन्स का जो सेलिंग प्राइस होगा उतने ही अमाउंट का लॉस हो जा रहा है जब वह बेच रहा है 45 लेमन्स को। ओके, तो फाइंड हिज लॉस परसेंट, तो उसका लॉस परसेंट बताओ। तो बड़ी आसान है ये, ठीक क्वेश्चन नंबर 10 जैसा है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गिवन दैट क्या दिया हुआ है, अच्छा ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। ओके, तो वी नो दैट, तो वी नो दैट लॉस इज इक्वल टू क्या होता है बताइए। तो लॉस इज इक्वल टू होता है CP माइनस SP, है ना। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पे दिया ना लूजेज, लूजेज मतलब क्या, लॉस हो रहा है उसको। कितने का? सम इक्वल टू कितने का? सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं SP ऑफ 3 लेमन्स का लॉस हो जा रहा है। इक्वल टू CP कितना है? CP नहीं पता तो हम लिख सकते हैं कि CP ऑफ 45 लेमन्स, क्योंकि इतना ही तो बेच रहा है तो उसका CP खरीदा भी होगा उतने में किसी, मतलब किसी प्राइस पे। और SP कितना है? तो दिया ही है वही, तो लिख सकते हैं कि SP ऑफ 45 लेमन्स, लेमन्स। ओके, तो अब ये बन गया हमारा एक इक्वेशन। अब इसमें से क्या निकलेगा हमें? CP ऑफ 45 लेमन्स हमें नहीं पता, हम ये निकाल लेंगे। और देखिए यहाँ पे SP ऑफ 45 लेमन्स और SP ऑफ 3 लेमन्स, ये दोनों सेम कैटेगरी में है क्योंकि दोनों SP हैं, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज मिल जाएगा, यदि हम इस SP को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएँ तो इसमें SP में जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? SP ऑफ 45 और 3 ऐड कर दीजिए तो 48, SP ऑफ 48 लेमन्स, इतना बराबर हो जाएगा CP ऑफ 45 लेमन्स। ठीक है, तो अभी हमारा बराबर आ गया यहाँ पे, 48 लेमन्स का जो SP होगा वो CP हो जाएगा 45 लेमन्स का। जब भी ऐसा मिल जाए तो तुरंत लेट कर लो, लेट SP ऑफ 48 लेमन्स इज इक्वल टू CP ऑफ 45 लेमन्स इज इक्वल टू X रुपीज़। तुरंत मान लो कि वो X रुपीज़ के बराबर है। ओके, तो इसलिए क्या मिल जाएगा हमें? इसलिए SP ऑफ 48 लेमन्स बराबर आप ले सकते हो X रुपीज़। तो इट इम्प्लाइज SP ऑफ 1 लेमन, मैंने 1 लेमन का निकाल रहा हूँ प्राइस, ठीक है, सॉरी 1 लेमन्स नहीं होगा, 1 लेमन इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? X अपॉन 48। तो 1 लेमन का SP निकल गया, अब 1 लेमन का CP भी निकालना है, तो यहाँ से ये वाला ले लो, इतना बराबर इतना। तो इसलिए CP ऑफ 45 लेमन्स इज इक्वल टू X रुपी। तो इट इम्प्लाइज CP ऑफ 1 लेमन इज इक्वल टू X अपॉन 45 रुपीज़। ओके, तो हमारा जो है 1 लेमन का अब यहाँ पे CP निकल गया, तो SP CP निकल गया, तो SP CP निकल गया तो लॉस निकाल सकते हैं। तो इसलिए लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा CP माइनस SP। तो यहाँ पे CP कितना है? CP है X अपन 45, माइनस SP कितना है? X अपन 48। अब यहाँ पे माइनस करके निकाल लीजिए तो निकलेगा कितना? 45 × 48, ये हो जाएगा क्या? LCM, 45 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 48X, माइनस 48 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 45X, और ये सॉल्व करेंगे मिल जाएगा 3X अपॉन 45 × 48।
ये मिल गया आपको लॉस। अब हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है ना। आप देख सकते हैं निकालना है लॉस परसेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लॉस परसेंट यहाँ पे तुरंत निकाल सकते हैं। चलिए लिखते हैं लॉस परसेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। ओके, तो लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, लॉस कितना हो जाएगा, लॉस दिया हुआ है, निकाले हैं अभी, तो 3x अपॉन हो जाएगा 45 इंटू 48 अपॉन सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी हमने यहाँ पे निकाला है एक का, यहाँ पे एक का देखिए, एक्स अपॉन 45, तो यहाँ लिख देंगे एक्स अपॉन 45 इंटू 100। अब जो देखिए एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, 45 45 से कैंसिल हो गया, और बचा क्या हमारा, मिला हमें 3/48 इंटू 100। 3 से काट सकते हैं, ये 3 × 3 3 × 6 18, तो ये मिल जाएगा 100/16। 4 से कटाइए, 4 × 4 = 16, और ये कटेगा तो हो जाएगा 25, 4 × 6 = 24, 1/4% है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यदि आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए, और पढ़ाई करिए समझ कर।